हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट। आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे क्यू कार्ड्स अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जो भी न्यू क्यू कार्ड है सितंबर टू दिसंबर के। अगर आपने नहीं वीडियो चेक करी है तो आप चेक कर सकते हो, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड टुडे अगेन आई एम गोइंग टू शेयर द न्यू क्यू कार्ड ऑफ सितंबर टू दिसंबर, एंड द नेम ऑफ द क्यू कार्ड इज़ डिस्क्राइब अ फाउंटेन यू रियली लाइक्ड। वेयर इज़ इट? How you learned about it? Describe the fountain, why you liked it so much? आपने कोई ऐसे फाउंटेन के बारे में बताना है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इसमें मैंने ट्राई किया है कि आप सभी इस फाउंटेन के बारे में बोल सको, क्योंकि हर एक की सिटी में कोई ना कोई फाउंटेन होता है और अपनी लाइफ में हमने कहीं ना कहीं फाउंटेन देखा होता है। तो ये कोई इमेजिनरी फाउंटेन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि रियल फाउंटेन है। बस अपने थोड़े बहुत चेंजेस कर लेना जहाँ पर भी रहते हो, ठीक है? कोई आके चेक नहीं करने वाला कि ये फाउंटेन है या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया। मैंने यहाँ पे अमृतसर में एक फाउंटेन है, जो अमृतसर के लोग हैं उनको पता ही है। कंपनी गार्डन में एक फाउंटेन है जिसको एक म्यूज़िकल फाउंटेन बोला जाता है। ये एशिया का पहला फाउंटेन है जहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन जो है वो इरेक्ट किया गया बाय अनिल जोशी 2016 में एट कंपनी गार्डन, ठीक है? तो मेरे को ये फाउंटेन के बारे में पता चला मेरे मैटरनल अंकल से, जो कि इस पार्क में विजिट करते हैं ऑन डेली बेसिस। उन्होंने मेरे को बताया कि ये फाउंटेन को देखना वर्थ है, क्योंकि ये एक यूनिक फाउंटेन है पंजाब का बिकॉज ऑफ द म्यूज़िक। सो ऑन हिज रिकमेंडेशन मैंने ये प्लेस में विजिट किया और मेरे को उसकी ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आई वॉज मेस्मराइज्ड एज ये फाउंटेन जो है एक स्क्योर वाटर बॉडी में लाई करता है और टाइल्स हैं ब्लू कलर की, और ब्यूटी इसमें ऐड करने के लिए इसमें जो है लाइट्स लगाई गई हैं इंडियन फ्लैग कलर्स की। अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स सराउंडेड बाय ट्रीज हैं और महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू है। और इंटरेस्टिंग थिंग इस फाउंटेन की ये है कि लोग जो है वो पेट्रियोटिक सॉन्ग भी सुन सकते हैं इस फाउंटेन की ब्यूटी को इंजॉय करते हुए। और जो कलर ऑफ थीम है इस सारी फाउंटेन की वो इंडियन फ्लैग की है, तो पूरा एक इंडियन फ्लैग बनता है जब वाटर फ्लो करता है। तो दैट थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट इट। और इस फाउंटेन ने इस पार्क की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया है, और इवन जो फुटफॉल है, फुटफॉल मतलब कि विजिटर्स जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारी सिटी की, उसने इस फाउंटेन को इरेक्ट किया है और ये मेंटेन किया जाएगा ओवर टाइम सो दैट इट कीप्स ऑन अट्रैक्टिंग द विजिटर्स। सो ऑल इन ऑल दिस इज़ द फाउंटेन जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इस प्लेस पर वीकली विजिट करती हूँ टू रिमाइंड माई सेल्फ। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। और अगर आप मेरे से पर्सनल क्लासेस अटेंड करना चाहते हो ऑफ एनी मॉड्यूल, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर विच इज़ अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। और आप मेरे से पॉलिशिंग क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट ने अपना एग्ज़ाम फेल कर रखा है, उनके पास 10-15 दिन है, वो अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करना चाहते हैं, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू पॉलिश योर सेल्फ। Now I will tell you how you can speak this cue card for 2 minutes. It's irrefutable to say that fountains enhance the beauty of a place. Moreover, they promote relaxation, peace, tranquility and well-being. Although I have seen umpteen fountains at different places, here I'm going to talk about a fountain which is distinct from others as it's a musical fountain. It was inaugurated in Amritsar by Anil Joshi in March 2016 at Company Garden. I came to know about this from my maternal uncle, who loves to visit this park on a daily basis. He told me that this fountain is worth visiting as it's one of the unique fountains of Punjab because of the music. So, on his recommendation, I visited that place and I was mesmerized owing to its beauty. This fountain lies in a square water body. The tiles inside are blue, and to add to their beauty, they contain lights of Indian flag colors. Apart from this, it's surrounded by the trees and statue of Maharaja Ranjit Singh. The interesting thing about this fountain is that people have a chance to listen to patriotic songs while enjoying the beauty of the fountain. On top of this, the color theme of the angle iron fencing and the base of the lights is saffron and green, which signifies the Indian flag. What's more, the fountain has enhanced the beauty of this park, and just because of this fountain, the footfall has increased dramatically. I'm grateful to the municipal corporation of my city who erected this fountain, and I hope it will be maintained over time so that it keeps on attracting the visitors. All in all, this is the fountain which I like a lot, and I visit this place weekly just to remind myself.
आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया हो. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी मॉड्यूल जस्ट लेट मी नो इन अ कॉमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड आंसर एज सुन एज पॉसिबल. अगर आप स्पीकिंग देने जा रहे हो और आपसे कोई न्यू क्यू कार्ड पूछा जा रहा है, काइंडली शेयर इन अ कॉमेंट सेक्शन सो दैट दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए. और अगर आपको कोई क्यू कार्ड में प्रॉब्लम आ रही है, काइंडली राइट डाउन इन अ कॉमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड आंसर ऑफ दैट क्यू कार्ड एज सुन एज पॉसिबल. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड.